यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस भी और रेगुलर भी 2 ईयर की है ना, USOL लिखा होगा आपके पेपर पर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसका भी है और रेगुलर का भी, सिलेबस इकट्ठा है। फाउंडेशनल कोर्स थर्ड पेपर है, वैसे ही होगा, 40 मार्क्स की थ्योरी है, उसी पर फोकस करना है, लेकिन फुल मार्क्स इसके 50 हैं, 10 जो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, इंटरनल प्रैक्टिकल लिखा है यहाँ पर, तो एक्सटर्नल थ्योरी के 40 के लिए ये वीडियो है। क्या सिलेबस है, क्या डिवीजन होगी, मार्क्स कैसे होंगे, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, ये छोड़ रहे हैं पेपर बताने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन पढ़ने चाहिए, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में मेन पार्ट है, जो इसका यूनिट का नाम रखा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट एजुकेशन की तरीफ है कि ये ऐसे यूनिट का नाम रखते हैं, टीचिंग एज ए प्रोफेशन है ना, टीचिंग क्या है, वेरी गुड, आपने टीचर बनना है, कंसेप्ट क्या है टीचिंग का, वैसे तो टीचिंग क्या है, बिहेवियर है किसी का, किसी ह्यूमन का, जो किसकी तरफ लेके जाता है, कोई भी टीचर का बिहेवियर जो लर्निंग की तरफ लेके जाए वो टीचिंग है, वेरी इजी, लेकिन ब्रीफ डिटेल में भी पढ़ना है। अच्छा, नेचर क्या है टीचिंग की, ये 8 मार्क्स का ही पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट एंड नेचर, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग या गुड टीचिंग, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है ना, कंसेप्ट एंड मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग, यार बहुत यूनिवर्सल जे अप्रूव्ड है, जैसे कंक्रीट से आपने एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, प्याजे जाता है ना, नोन से जो जानते हैं उसके साथ अननोन को जोड़ना है, नोन से अननोन हो गया है ना, नियर से फार की तरफ जाना है, पहले लोकल से फिर ग्लोब की तरफ जाना है, ऐसे मैक्सिम्स हैं प्रिंसिपल के, उनको फॉलो करोगे अच्छे टीचर बन जाओगे, अच्छे टीचर बनोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि यार मैंने तो ये प्रिंसिपल फॉलो किए हैं। बी पार्ट है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, हाय प्रोफेशन पता क्या चीज होती है, जिसकी पर्टिकुलर प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग है ना, तो अब आप बीएड क्यों कर रहे हो, आप उस प्रोफेशन के बारे में, जो उस प्रोफेशन के बारे में डीप रिसर्च हुई थी, नॉलेज है, रिसर्चर ने जो फाइंड आउट किया है अच्छी टीचिंग ऐसे हो सकती है, फंडामेंटल थ्योरीज है लर्निंग की, टीचिंग की है ना, और प्लस ट्रेनिंग है, तो ये प्रोफेशन है, उस नॉलेज को समझना, थ्योरी को और ट्रेनिंग लेना, इसके लिए टीचिंग स्कूल में भेजेंगे, मेंटर ऑब्जर्व करेंगे आपको, तो ये प्रोफेशन होता है, इस बाकी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बेसिक बेसिक हम कर रहे हैं, डिटेल में हो जाएगा। प्रोफेशनल एथिक्स दिए हुए हैं टीचर के एनसीटीई ने, है ना, अब तो एनपीएसटी भी आ चुका है, तो वो डिस्कस करेंगे कि टीचर को मोरालिटी का कौन, किस किस का, स्टूडेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, प्रोफेशन के साथ कैसे जस्टिस करना है, टीचर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या है, 8 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, या मैं जब इस पर लिखा था ना, जब मैंने यूट्यूब पर जब से काम कर रहा हूं ना, तो रिफ्लेक्टिव टीचर ज्यादा बनते हो, क्या क्या है इसका, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का सेंट्रल आइडिया बता रहा हूं आप, ये जिंदगी में इंप्रूव करने के लिए है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, इंटरनल वर्ल्ड में भी आप फीडबैक वैसे ले सकते हो कि स्पिरिचुअली कैसे जाना है, लेकिन फीडबैक, फीडबैक क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उस पॉजिटिव को रिटेन रखना है, नेगेटिव को रिमूव करना है, तो फीडबैक कैसे रखनी है, आप अपनी टीचिंग की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अब मेरे यूट्यूब पर वीडियो पर है, मैं कभी भी देख सकता हूं मैंने क्या गलतियां कर रहा हूं, जब मैं गलतियों को देखता हूं, स्पेलिंग गलती मैं बहुत करता हूं, तो ये रिफ्लेक्शन है, उसको इंप्रूव करना है, मेरी हैंडराइटिंग पहले पुअर थी, अब थोड़ा ख्याल रखता हूं, ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। मैं दूसरे टीचर से पूछ सकता हूं, यार मुझे दो सजेशन दो, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, मैं स्टूडेंट से फीडबैक ले सकता हूं, अच्छा आज मेरे लेसन में क्या कमियां रही, जरूरी नहीं नेगेटिव फोकस करना है, मैं अपने लिए नेगेटिव पर फोकस करता हूं, लेकिन आप पॉजिटिव पर भी करें, हौसला बनता है, नेगेटिव पर के धीरे धीरे एरर को रिमूव करना है, इससे इतनी रिफ्लेक्टिव टीचिंग है इसका सेंट्रल आइडिया, लेकिन और कंसेप्ट करेंगे डिटेल में जाके, ये हो गया कंसेप्ट और स्ट्रेटजीज है ना, स्ट्रेटजीज मैंने बता दी हैं कुछ एक, तो फॉर मेकिंग टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, यार वीडियो रिकॉर्डिंग इज वेरी गुड, जब मर्जी जितनी मर्जी बार देखो, किसी और से फीडबैक लेने की, और उसी वीडियो को से आप किसी अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, यार इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी यार टॉपिक बहुत अच्छा है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है, वाह, पंजाब यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, टीचिंग टेक्नोलॉजी, सिमुलेटेड टीचिंग, सिमुलेटेड यहां ना
लवली में जो कार ड्राइविंग सिखाते हैं, तो कार ड्राइविंग असल में रोड पर ले जाने से पहले 3 दिन वो क्लास लगाते हैं, तो एक मशीन पर बिठा देते हैं, सामने स्क्रीन पर, ऐसी स्क्रीन पर ट्रैफिक आती है, आपको लगता है आप कार में बैठे हुए हो, आप ड्राइव कर रहे हैं, मूव करते हैं, मूव होता है, आगे कोई हिट कर होता है, तो ये नकली एनवायरमेंट में आप पहले लर्निंग करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन अच्छी बन जाती है, डर थोड़ा निकल जाता है, ट्रैफिक का नॉलेज हो जाती है, तो रियल एनवायरमेंट में, अब जी देखिए युद्ध चल रहा है वो जो रूस में और दूसरे मुल्कों में है ना, तो वो युद्ध से पहले एक सिमुलेशन टी प्रैक्टिस करते हैं, नकली एनवायरमेंट में भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर असली में पकड़ते हैं, फिर असली में कूद जाते हैं, तो वो नकली एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करने को जो सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, प्रोसीजर स्टेप्स क्या होंगे है ना, ये हो जाएगा 8 नंबर का, मेरिट एंड डीमेरिट या लिमिटेशन ये 4 4 नंबर का या 8 नंबर का भी आ सकता है। माइक्रो टीचिंग बीके पासी ने ये कंसेप्ट इंडिया में लाए थे, उनकी डेफिनेशन भी आप करोगे अब नहीं है, लेकिन माइक्रो टीचिंग क्या है कि जो टोटल टीचिंग है, मैक्रो टीचिंग है, कॉम्पोजिट टीचिंग है, उस टीचिंग में यहां पर चले जाएं यार, अगर पढ़ना है मेरे ख्याल में ये बाद में पढ़ना है हमने, वैसे यहां ना पढ़े तो ये टीचिंग है। मान लीजिए अब टीचिंग मैं टीच कर रहा हूँ, यहाँ आप क्लास में टीच कर रहे हो, तो टीचर क्वेश्चन भी करता है, बीबी पर भी लिखता है ना, ए बी एड भी यूज करता है, फीडबैक भी देता है, इंट्रोड्यूस भी करता है, कितनी स्किल्स हैं, कितनी स्किल्स वो यूज करता है, मल्टीपल स्किल्स है ना। तो जब आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको लगता है कि मेरी एक स्किल जो बीबी राइटिंग वीक है, तो आप बाकियों को परे करके बीबी राइटिंग पर फोकस करते हो, 5 6 मिनट का लेसन प्लान करते हो, 5 6 विद्यार्थी बिठाते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करने के बाद जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग बताया कि फीडबैक लेते हो, फीडबैक लेने के बाद फिर रीप्लान करते हो और फिर टीच करते हो, इस साइकिल को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो ये इसके मेरिट लिमिटेशन क्या है, साथ साथ में ये करेंगे है ना, 8 नंबर का स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग, इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी बताई कि लेसन को इंट्रोड्यूस करना कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, मैं जब जिंदगी में काउंसलर भी हूं, काउंसलिंग भी करता हूं, पर्सनल काउंसलिंग, प्रेमी प्रेमिका की काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग है ना, फैमिली की काउंसलिंग, तो वो उसमें मैं सीधी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि ऐसे कर लो भैया, डायरेक्ट नहीं करता, मैं क्वेश्चन करता हूं, उनको आंसर मिल जाते हैं, आप भी अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं क्वेश्चन दूंगा, शायद आपको आंसर मिल जाए, जो प्रेम वाले एक क्वेश्चन है, कुछ जनरल पूछूंगा यहाँ पर, आप तैयार रहो तो आपने आंसर ढूंढने हैं, जब आप आंसर ढूंढेंगे आपका रिश्ता बेटर होना शुरू होगा। एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, किसी चीज को ईजी करके उसके रीजन बताना, उसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं। री इन्फोर्समेंट, बल प्रदान करना, बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, उसको टॉफी दे दी, स्माइल दे दी, शाबाश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, कुछ पॉजिटिव दे दिया, या उसका नेगेटिव को रिड्यूस कर दिया। अच्छा, स्टिमुलस वेरिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने चेंज लाना है, ऐसे खड़े होके बोल नहीं जा रहे, एक 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 मीडिया, कभी आप यहां आ रहे हो, कभी मूड कर रहे हो, कभी इमेज दिखा रहे हो, कभी बच्चों के पास जा रहे हो, वेरिएशन आपकी टीचर की वेरिएशन, वो मूवमेंट की वेरिएशन, उसी को कह रहे हैं, जितनी वेरिएशन होगी उतना इंटरेस्ट बना रहेगा। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तो यूज चलो ठीक है, जो स्किनर के बेस पर है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, सेल्फ पेस्ड है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर पर बिठा दिया, मॉड्यूल दे दिए, आप जब चाहो, जब मोबाइल पर अब आ सकता है ना, पहले हार्ड कॉपी पर था, आप लेसन लर्न करते हो, जब आपका जी चाहता है आपको फीडबैक मिलती है और आप उसके मुताबिक इम्प्रूव करते हो अपनी लर्निंग को। तो ऐसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं वो पढ़ेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस है ना, ये डिफिकल्ट थोड़े से लगेंगे आपको लेकिन ईजी कर लेंगे पिछले एग्जाम को देखते हुए। थर्ड यूनिट, वाह, पंजाब यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट जिंदाबाद, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये फंडामेंटल है, ये थोड़े डिफिकल्ट है बट द बेस्ट है। कंसेप्ट क्या होते हैं मॉडल ना, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी, उसने देखा कि यार इंडक्टिवली टीच करना चाहिए, पहले एग्जांपल और उसके बाद एनालिसिस फिर डेफिनेशन, तो इंडक्टिव मॉडल बन गया है ना, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल उनका बन गया, ऐसे पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अजम्पशन क्या होती है, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग ऑफ मॉडल क्या होते हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, टीईटी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बड़े क्वेश्चन, बेशक इसका नाम नहीं आता, कैम इसे बोलते हैं, कैम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, नाम नहीं आता लेकिन क्वेश्चन इसी में से ही होता है, इस बार भी जो टीईटी आया उसमें कैम के ही क्वेश्चन आए हैं,
क्योंकि सिंपल आइडिया है कि एग्जाम्पल से, कंक्रीट से, एब्स्ट्रैक्ट की तरह, एग्जाम्पल से डेफिनेशन की तरफ मूव करना है, कैसे करना है, लेकिन वो ब्रूनर साहब बताएंगे, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे डिस्कवरी लर्निंग के। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, वाह, तो ये इससे डिफरेंट है। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, इसमें भी इंडक्टिव है, इसमें भी इंडक्टिव है, लेकिन डिफरेंस हम पढ़ेंगे, तो इनसे डरना नहीं है, इजी कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट, पंजाब यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट, वेरी गुड। टीचिंग एज कम्युनिकेशन, हाय मेरे रब्बा, जब कम्युनिकेशन करना आ गया ना, हाय, कम्युनिकेशन किससे करना है? अपने आप से भी करना है, दूसरों से तो करते हो, उससे भी करना है। वो करता ही रहता है, करता ही रहता है कम्युनिकेशन, उसको पता क्या आवाज आती है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद बात करें, तो वो थोड़ी देर बाद आती नहीं है, 2 मिनट बैठ जाओ यार, उसको भी सुन लो, उससे भी कम्युनिकेट कर लो। अच्छा, कम्युनिकेशन कंसेप्ट, ये रहा कंसेप्ट, क्या है? कुछ नहीं है, जो मेरे मन में है वो दूसरे तक मैं पहुंचा दूं, कैसे भी पहुंचाऊं, वो कम्युनिकेशन है। विचार है, भावना है ना, मुझे कोई अच्छा लगता है, मैं कह दूं यार मैडम जी आपका सूट बहुत सोहना है, कह दो यार, अच्छाई से डरो मत, है ना, कोई अच्छा लग रहा है, सुंदर रहा, कोई बोल अच्छा रहा है, उसको बोल दो यार, देखना कैसे रिश्ता इंप्रूव होता है। कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेस्टिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाई बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कई रिश्ते इसीलिए बिगड़ जाते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हम अप्लाई नहीं करते, है ना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई ऐसी बात हो जाए, तो कम्युनिकेट करो, थोड़ा गैप दो, थोड़ा स्पेस दो, पीछे हट जाओ, और थोड़ी देर बाद फिर एनर्जी शांत हो जाती है, इनएक्टिव, फिर बात करो, कम्युनिकेशन, तो रिश्ता बेटर हो जाता है। थोड़ी गलती मेरी भी है, थोड़ी आपकी भी है, ऐसे हो जाता है, लेकिन माफी के बिना कहाँ जो रिश्ते चलते हैं, है ना। पहली गल के सारी गलती मेरी नहीं, ये है भी है, ताकि मैं तेरी नहीं है। अच्छा, मल्टी मीडिया इन एजुकेशन, मल्टी मीडिया, मीडिया क्या होता है? टेक्स्ट मीडिया है, इमेज क्या है? मीडिया है ना, पिक्चर है जो मूवमेंट वाली है, तो ज्यादा मीडिया इकट्ठे यूज करने, अखबार है सिर्फ टेक्स्ट है उसमें, तो वो सिंगल मीडिया है। एग्जाम आप असाइनमेंट देते हो, तो वो सिंगल मीडिया है। तो ये जो यहाँ मूवी वीडियो भी दिखा सकता हूँ, पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, ये मल्टी मीडिया की एग्जाम्पल है। अच्छा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आपको पता है, इंटरनेट पता है, पर इस पर करेंगे, यूज ऑफ मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन, है ना, एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेरी गुड। तो 8-8 नंबर के बनते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स इन टीचिंग, ई लर्निंग कोविड के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, यार वेरी, रिसर्चर्स के लिए तो बहुत जरूरी है। मूक, इस पर तो वीडियो कई बन चुकी है, मैंने एंट्रेंस टेस्ट में भी बनाई थी ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, रोल ऑफ सोशल मीडिया, हाय रब्बा, वेरी गुड, पंजाब यूनिवर्सिटी, जिंदाबाद पंजाब यूनिवर्सिटी, यार ये बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया से आज देखो इतना ज्यादा लर्निंग हो रही है, मिनट में मोबाइल आपके पास, क्या बात है यार, वेरी गुड। बाकी यूनिवर्सिटियों ने भी शायद किया होगा, तो गुड, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। सेशनल वर्क है, 2 काइंड ऑफ फॉलोइंग, इनमें से 2 चुननी है, प्रिपेयरिंग एंड प्रैक्टिसिंग एनी 2 माइक्रो स्किल्स, है ना, 2 माइक्रो स्किल लेके उसको प्रैक्टिस करनी है। एनलिस्ट ओपन एजुकेशन रिसोर्स, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है। बुक्स बताई गई हैं, ये कभी भी एग्जाम में पढ़ी नहीं जाती, ये फंडामेंटल है, मेरे ख्याल में पीएचडी वाले भी कोई कोई पढ़ता होगा। तो एवेल्यूएशन स्कीम है, आपके 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में से 2, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, ये ऐसे मैं बता चुका हूँ पहले भी। ये हो गया आपका यूनिट 1, 2, 3, 4, इसमें से 2 क्वेश्चन आए आपने एक कर लिया, 2 क्वेश्चन आए एक कर लिया, 2 क्वेश्चन आए आपने एक कर लिया, 2 क्वेश्चन आए आपने एक कर लिया, ठीक 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 है। ये 8-8 क्वेश्चन गुना 8, 8-8 नंबर के हो गए क्वेश्चन, 8 के हो गए ये 40, 32 के हो गए, और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे जो 8 मार्क्स के हो गए, और टोटल 40 हो गए, वो सारे एक एक इसमें से 2 नंबर का 2 नंबर का 2 नंबर 2 नंबर का ऐसे आएंगे, तो ऐसे होगा। इसके अलावा आपके पास ये लिखा है 4 शॉर्ट आंसर टाइप, वैसे पिछले वाला पेपर वाला ही है, तो अब पेपर देख लें। ये रहा आपका पेपर, कौन बनेगा करोड़पति, ओके। टीचिंग टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ऑल मीडियम सेम फॉर यू एस ओ एल,
यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इट मीन डिस्टेंस वालों के लिए, ओपन लर्निंग वाले के लिए, कोरेस्पॉन्डेंस वालों के लिए, है ना, बीएड वालों के लिए सेम है। तो ये इंस्ट्रक्शन है जो पीछे बात करके हैं। फर्स्ट यूनिट है, दो में से एक करना है। डिस्कस द कंसेप्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, सिंपल है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, वेरी गुड, ये करना है यार, इंटरेस्टिंग है, ऐसे बनो। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग, वो जो साइकिल अभी पढ़ाया मैंने, हाउ द कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन हेल्प टू इम्प्रूव टीचिंग, ये आसान है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट करेक्टरिस्टिक्स एंड अजम्पशन ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, है ना, तीन चीजें पूछ ली, कंसेप्ट मीनिंग, कंसेप्ट तो आप पूछे ना, फिर भी आपने डेफिनेशन मीनिंग बताना ही है, करेक्टरिस्टिक्स आ गए और अजम्पशन आ गई, है ना। जैसे ये आप लगा लीजिए 2 मार्क्स का, 3 3 का 8 नंबर के ऐसे बन गए, या 1 का 3 का ये 4 का ऐसे भी हो सकते हैं। डिस्कस द फोकस एंड सेंटेक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये, लेकिन करेंगे, बहुत आसान चीज हो जाती है, डरना मना है। आप यूनिट 4 है, हाउ कैन टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंटरनेट हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, डिस्कस रीसेंट ट्रेंड्स इन टीचिंग, हाई। 5th है, 2 2 मार्क्स के हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, कंसेप्ट ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो हिंदी में भी अवेलेबल है ये ना, मैडम जो कमलदीप मैडम प्रिंसिपल टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोगा, उनका ग्रेट थैंक्स, उन्होंने क्लिक करके मुझे भेजे हैं। बाकी यूनि पेपर लेने के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनका ग्रेट थैंक्स। ये हिंदी में भी है, देखो फोटो क्लिक करके इतने सोने प्यारे प्यारे आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये देखो, देखो हाए, पंजाबी विच भी है, हाँ ये डरना मना है, सारा पंजाबी विच भी देख सकते हैं, यही पेपर है, पॉज करके तुसी देख सकते हैं। ये हो गया तुहाडा पंजाबी दा सारा, ओके। सो दैट इज ऑल, नेक्स्ट मिलते हैं, उसके बाद 7वां में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैंने पढ़ना वैसे शुरू कर दिया है बेसिक कंसेप्ट, आप ये पेपर भी देखोगे ना, बाकी लिंक अब नीचे दे दूंगा, सभी को इकट्ठा कर दूंगा एक यूनिवर्सिटी के, तो वो कंसेप्ट जब आप एक बार रिवाइज करोगे तो बेस बन जाएगा, नेक्स्ट ईजी हो जाएगा। तो करेंगे मेमोरी ट्रिक्स कैसे हैं, इजी रखना है, जो जिंदगी में एनर्जी बतानी है, टाइम भी बचाना है, पैसा भी बचाना है, वो कैसे बचाएंगे, एग्जाम में कैसे ज़्यादा गेन करेंगे, ये साथ साथ में करेंगे। थैंक यू।